अस्सलाम वालेकुम। आप सबका क्या हाल है? ठीक ठाक है। तो जैसे कि कल भी मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी, सूरत हाल बहुत बुरी होती जा रही है। अभी शायद थोड़ा सा कंट्रोल हो गया, मगर पहले सूरत हाल बहुत बुरी हो गई थी मरी में। तो ऐसी ऐसी न्यूज सुनने को मिल रही है कि उधर जब पीक टाइम था तो एक कमरा अगर 5,000 रुपये का तो वो 50,000-50,000 रुपये में होटल वालों ने दिया है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको हीटर चाहिए तो वो 1,000 रुपये पर और के हिसाब से, 1 घंटे के हिसाब से उन्होंने चार्ज किया। तो इतने लूट मार और ये सब कुछ करेंगे तो फिर अजाब तो आएगा। तो हम सबको भी यही कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई हमारे पास आ रहा है या हाँ हमने उनसे ही कमाना, तो मतलब थोड़ा कमा ले, सुथरा कमा ले। इतना ज्यादा उधर माफिया बैठा हुआ है और अजीब चीजें हैं, तो हमें भी चाहिए कि हमने मतलब वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं और हम उधर जाके अपने साथ गलत करवा रहे हैं। तो हमें भी ये चाहिए कि हम कोशिश करें कि हम उधर ना जाएं और घरों में रहें, सेफ रहें। जैसे वबा फैली हुई है और इस तरह की चीज़ें, तो कोशिश करें कि घर में ही रहें। और बाकी एक और बात, तो बात ये करनी है कि मैंने जैसे पहले कहा है कि रेट्स बहुत ज़्यादा है होटलों के, अभी मैं चेक कर रहा था तो एक वेबसाइट है Airbnb, तो उसमें आप कहीं भी पूरे पाकिस्तान में कोई भी आपको रूम वगैरह या होटल के चाहिए हो तो वो उसमें सारे रेट्स और सारे होटल अवेलेबल होते हैं। जैसे एक वेबसाइट है Rooms.pk, तो उसके ऊपर भी होता है, तो आप उसमें पहले बुकिंग कर लें। उसमें ये होगा कि आप उधर जाके ऑन द स्पॉट अगर आप डिमांड करते हैं तो वो फिर मर्जी के रेट्स लेते हैं। तो इसलिए कोशिश करें पहले तो घरों में सेफ रहें, और अगर इतना ज़्यादा ज़रूरी है, जान निकली जा रही है, तो फिर जाएं और ये वेबसाइट्स का इस्तेमाल करें जो मे भी आपको आपके लिए बेहतरी कर सके। तो फिर हालात ऐसे हैं कि बोल नहीं सकता कोई अच्छी सी वीडियो का। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।